हेलो एवरीवन दिस इज हिमानी मलिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार दिन धाम पे हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसी भी एग्जाम को जब प्रिपेयर करते हैं स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स और उसमें भी अगर मैं टॉप पे बात करूं तो सीटेड एग्जाम हालांकि आज की डेट में सारे ही एग्जाम एप्लीकेशन बेस की तरफ जा रहे हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उन अप्लाइड क्वेश्चंस की जब मैं बात करती हूं तो सबसे ज्यादा आपको जो पेडागोजी दिखाई देती है वो देती है आपको सीटेट के एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में आप किस तरीके से पेडेगोलॉजी को एक सब्जेक्ट की नहीं खाली सीडीपी नहीं बल्कि हिंदी इंग्लिश चाहे संस्कृत हो चाहे आपका ईवीएस हो चाहे आपका एसएसटी वाला पार्ट हो चाहे आपका मैथ्स हो यानी कि हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी और उसमें भी अगर मैं बात करती हूं तो आपने ध्यान अगर दिया हो तो 90 मार्क्स की तो सिर्फ पेडागोजी ही आ जाती है अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं सीडीपी का एक सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट में 15 15 मार्क्स की पेडागोजी यानी कि वेटेज टोटल कितना रहता है 90 प्लस और इस बार जो हमें टेट एग्जाम्स दिखाई दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा पैटर्न क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन बेस यानी कि पेडागोजी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये पेडागोजी को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी आपको कि आप कभी भी एक सब्जेक्ट की पेडागोजी तैयार करेंगे तो आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी तैयार अपने आप हो जाएगी खुद ब खुद हो जाएगी आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने यानी कि एक एक चीज का ब्रह्मास्त्र और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी क्या आपकी एकदम तैयार सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं अगर मैं आपसे पेडागोजी की बात कर रही हूं तो मैंने यहां क्लियर स्पष्ट लिखा है कि ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी के रिगार्डिंग में बात कर रही हूं। यानी कि अगर हम टारगेट करने की बात करें तो कौन कौन से टारगेट करेंगे चाहे हमारा एस सी डी पी जो आपने देखो यहाँ पे तो मैं सी डी पी लिख रही हूं यानी कि बाल विकास इसको छोड़ दीजिए उसके बाद आपकी आती है हिंदी उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आएगा इंग्लिश या अगर तीसरी लैंग्वेज आपने ली हो वो क्या आएगी आपके संस्कृत और अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो आपका क्या आ जाएगा ईवीएस यानी कि पर्यावरण उसके अलावा आपसे बात करी जाए साइंस हो या फिर आपकी एस एस टी हो जो आप चूज करते हैं सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट आपके पास दिखाई देते हैं तो अगर मैं इन सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात करूं तो दोस्त पेडागोजी एक सिंपल सी ऐसी चीज है अगर मान के चलिए ये हर चीज आपकी कहां रिलेट हो रही है पहले ये ध्यान दीजिए ये जो सी है ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोलॉजी पेडागोलॉजी का मतलब क्या है ये समझ लीजिए पेडागोलॉजी का मतलब कैसे है कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रही हूं अगर मुझे पढ़ाना है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि अगर मैं रिमोट को दिखा रही हूं तो आपको दिखा के थोड़ा सा आप क्या हो जाएंगे यानी कि यह मेरी पेडागोलॉजी है जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ जो मैं भाषा यूज कर रही हूँ तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं आपके पेडागोलॉजी में चाहे मैं किसको इसका ए, जो आपका चार्जर होता है सेल का वो क्या होगा अगर किसी तरीके से कोई नया ऑब्जेक्ट दिखाना है और आपने ना देखा हो तो आपका क्या होगा एकदम से ब्लॉक करेगा माइंड की माँग दिखाया था दैट इज कॉल्ड यानी कि आप किस तरीके से बच्चे को आसान बना सकते हैं उसके लिए समझाना दैट इज कॉल्ड पेडोगोजी तो अगर जब मैं पेडागोलॉजी की बात करती हूँ बात आती है सीडीपी की तो सी एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट की पेडागोलॉजी अपने आप में कवर कर लेता है अगर आपने पेडागोलॉजी एक बार तो यही पेडागोजी आपको हिंदी में यानी कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं भाषा से लेकर लैंग्वेज एक्विजिशन हो गए लैंग्वेज कैसे, कैसे ये सारी चीजें हो गई बच्चा गया हर टॉपिक सेम मिलेगा आपको तो आप इस तरीके से हिंदी इंग्लिश संस्कृत ईवीएस या किसी भी अन्य सब्जेक्ट की को एक बार कमांड कर सकते हैं अगर आपने सी को बहुत अच्छे से तैयार किया तो याद रखिएगा एक ब्रह्मास्त्र टीचिंग एग्जाम के लिए और स्पेशली वालों के लिए जिस भी सब्जेक्ट में पेडोगोलॉजी आती है सी और पी आप जितना मजबूत इस सब्जेक्ट को कर लेंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा तो ये छोटी सी सलाह मेरी तरफ से आपके लिए देखते हैं कौन कितना अलर्ट होता है और कौन कितना इस पर काम करता है